How to fix Realme C11, C12 and C15 outgoing call display problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है आउटगोइंग कॉल डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इस प्रॉब्लम पे दोस्तों होते क्या है, आउटगोइंग कॉल जाते वक्त ठीक है कॉल स्क्रीन शो नहीं करते हैं. यहाँ पे दोस्तों जब ये प्रॉब्लम ऑक्योर्ड होते हैं, आप किसी को कॉल करते हैं आउटगोइंग कॉल, ठीक है, तो आउटगोइंग कॉल यहाँ पर कॉल तो चले जाते हैं लेकिन उसके बाद आप उस कॉल को कट नहीं कर सकते. आपको पता नहीं चलते कि आपकी जो कॉल लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो कॉल स्क्रीन जो है बिल्कुल काम नहीं करते. अभी इसको कैसे कैसे करके फिक्स करना है उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो पे देने वाला हूँ. वीडियो को अंत तक देखें, जो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा उसको फॉलो करें, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम. ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा. चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करते हुए चेक कीजिए. ठीक है, रिस्टार्ट कीजिए, रिसेंट बटन पे क्लिक कीजिए, सारे रिसेंट ऐप को क्लोज कर दीजिए. उसके बाद चेक करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो दोस्तों जाइए मोबाइल के सेटिंग पे एंड स्क्रॉल डाउन करें. यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट आपको ओपन करना है. ऐप मैनेजमेंट पे जाने के बाद दोस्तों आपको शो ऑल ऐप्स कर देना है. ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा फ़ोन सर्विस के ऑप्शन पे. तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाइए फ़ोन सर्विस पर, और आपको कर देना है इसको फोर्स स्टॉप. फोर्स स्टॉप करने के बाद स्टोरेज यूजर्स पर जाना है, क्लियर डेटा पर क्लिक करके डेटा को क्लियर कर देना है. जैसे ही आप डेटा को क्लियर करोगे, मोबाइल को रिस्टार्ट करते हुए एक बार चेक कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, अगर दोबारा से प्रॉब्लम आते तो जाइए दोस्तों मोबाइल के सेटिंग पर. ठीक है, सेटिंग पर जाके दोस्तों आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है. सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका ये इशू फिक्स हो जाएगा. लेकिन दोस्तों सभी सॉफ्टवेयर में इसका सॉल्यूशन नहीं होते, ठीक है, लेकिन आपको अपडेट करके देखना ही होगा कि सॉल्व होता है या नहीं होता है. अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होते तो आप दोस्तों एक डायलर इंस्टॉल कीजिए मोबाइल पे. ट्रू कॉलर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ट्रू कॉलर आप इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल पे, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा ट्रू कॉलर. ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज़ कीजिए ऐसे डिफ़ॉल्ट डायलर कुछ दिनों के लिए, जब तक कि आपको यहाँ पे न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिल जाते, तो उतना दिन तक यूज़ कीजिए, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम. ठीक है, ट्रू कॉलर करके दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग आई है, मैं आपको बता देता हूँ, ट्रू कॉलर बस. ठीक है, ये है वो एप्लीकेशन, इंस्टॉल करके ऐसे डिफ़ॉल्ट डायलर यूज़ कीजिए. तो इस तरीके से कॉल स्क्रीन का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.